हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। तो मैं हूं आतिफ आज़ाद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी थी और महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथुराम गोडसे का आखिर क्या हुआ। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने की थी, लेकिन इसकी वजह क्या थी और हत्या करने के बाद नाथुराम गोडसे के साथ क्या किया गया, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कोई इंसान कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नाथुराम गोडसे एक क्रांतिकारी था और शुरुआत के कुछ दिनों वो गांधी जी का फॉलोवर भी था। तो क्या वजह रही होगी कि उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और क्या वजह रही होगी कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नीतियों के खिलाफ हो गया। दरअसल गोडसे का यह मानना था कि गांधी जी ने ही देश का बंटवारा करवाया और दोनों देशों में अच्छी छवि बनाए रखने के चक्कर में देश को दो टुकड़ों में बंटने दिया। गांधी जी की हत्या करने के बाद नाथुराम गोडसे ने यह बात कही थी कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चली है जिसकी नीतियों और कार्यों के कारण देशवासियों को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला है। गोडसे द्वारा यह भी कहा गया था कि मैं अपने लिए किसी प्रकार की माफ़ी की गुंजाइश नहीं करूंगा, मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है। गांधी जी की हत्या की साजिश में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से दिगंबर पड़गे को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया और शंकर किस्तैया को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर माफ़ी मिल गई। सूत्रों के अनुसार हत्या में वीर सावरकर का भी नाम था, पर कोई सबूत ना मिलने की वजह से अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। फिर बचे 5 लोगों में से 3 को उम्र कैद की सज़ा हुई। फिर नाथुराम गोडसे और नारायण आपटे को फांसी दे दी गई। लेकिन अब भी बात यहीं पर अटकी थी कि जिस इंसान को फांसी पर उसकी जुर्म के वजह से लटका दिया गया, उस जुर्म की वजह क्या थी, आखिर क्यों उसने महात्मा गांधी की हत्या की। तो दोस्तों, यह बात तो हम सब जानते हैं कि जहां दो लोगों के विचार नहीं मिलते वहां उन दोनों में टकराव होता है। वैसे ही महात्मा गांधी और नाथुराम गोडसे के साथ था। उन दोनों की विचारधारा राजनीति और मजहब के लिए अलग अलग थी। सबसे पहले हम गोडसे की आइडियोलॉजी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, गोडसे के हिसाब से पॉलिटिक्स यानी राजनीति एक ऐसा जरिया था जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अपोनेंट के अंदर अपना डर पैदा कर सकते हैं और अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप अवैध तरीके से उसका जिम्मा अपने अपोनेंट पर थोप सकते हैं। आपको यह बताते चलें कि नाथुराम गोडसे ने शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ज्वाइन किया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने आरएसएस छोड़कर हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया। और अब बात करते हैं महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की। तो उनके लिए राजनीति सिर्फ अंग्रेज़ों को हराने का जरिया नहीं था, बल्कि उन्हें पूरे देश का शासन बदलना था। उन्हें अंग्रेज़ी सरकार को यह एहसास दिलवाना था कि जिस पावर का वे लोग अब तक इस्तेमाल करते आए हैं वो कभी ना कभी ज़रूर ख़त्म होगी। उनकी यह सोच थी कि देश के सारे रिलीजियस ग्रुप को एक साथ लेकर बराबरी के साथ चलें, लेकिन गोडसे की आइडियोलॉजी इससे बिल्कुल अपोजिट थी। वह चाहता था कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा था। जो बयान गोडसे द्वारा कोर्ट में दिए गए थे उसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, लेकिन उनके भाई गोपाल गोडसे ने 60 साल तक इसके लिए लीगल केस लड़ा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन बयानों को रीबैन किया। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारने के 150 रीजंस बताए थे। तो उनमें से सिर्फ चंद वजहों से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। जब 1990 में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में घुसकर निर्दोष लोगों को मारा गया था, तो क्रांतिकारियों में आक्रोश की ज्वाला उमड़ गई
और उन्होंने जनरल डायर से बदला लेने की नीति बनाई, लेकिन गांधी जी ने इस डिमांड को सपोर्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरी वजह यह थी कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेल में बंद थे तो सभी लोग चाहते थे कि गांधी जी उनके बीच में बोलें और उन्हें फांसी पर चढ़ने से बचा लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने हिंसापूर्वक तरीके से अपने काम को अंजाम दिया था। एक और वजह यह थी कि गांधी जी ने कश्मीर के राजा हरी सिंह को यह सलाह दी थी कि चूंकि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो आप कश्मीर को त्याग कर काशी में सेटल हो जाएं। और साथ ही 15 जून 1947 में कांग्रेस की एक गुप्त सभा में यह तय हुआ था कि पार्टीशन को रोकना है, पर लास्ट मिनट में गांधी जी ने आकर पार्टीशन को सपोर्ट कर दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इतिहास के पन्नों में आज भी दफन हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।